गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया। मैं यहाँ पे मेकअप, फैशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, जिससे मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँगी अपनी तो आपको इजीली पता चल जाए कि मैंने वीडियो डाली हुई, तो आप इजीली देख सकोगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ 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 मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे को कर दो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरी मैं वीडियो जो डाल रही हूँ वो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। या तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं अगली वीडियो कौन सी डालूँ, तो मैं उसके हिसाब से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करूँगी। तो प्लीज़ मेरे को थोड़ा सपोर्ट दे दो। आई नो कि आप लोग मेरे को बहुत प्यार कर रहे हो, पर थोड़ा सा और मेरे को दे दो प्लीज़। तो आज हम बात करने वाले हैं मिंत्रा हॉल के बारे में। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज मेरे चैनल पे मैं पहली बार ही क्रिएट कर रही हूँ मिंत्रा हॉल। मैंने बहुत सारी शॉपिंग की हुई है मिंत्रा से, बट मैंने ये कभी हॉल नहीं बनाया हुआ था। बट दिस टाइम हम स्टार्ट करते हैं मेरा मिंत्रा हॉल। सो फर्स्ट मैंने ये इस मिंत्रा हॉल में मैंने ऑलमोस्ट नेक्स्ट सीज़न के लिए, ऑलमोस्ट अपकमिंग सीज़न के लिए मैं बोल सकती हूँ कि उसके लिए मैंने बाय किया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बाय किया हुआ है और बता भी देती हूँ। मैंने वो टी शर्ट्स और स्वेटशर्ट्स और वो सब मैंने बाय किया हुआ है, बिकॉज मेरे को ये मानसून में या विंटर सीज़न में स्वेटशर्ट पहनना बहुत अच्छा लगता है। कि वो जैकेट वो थोड़ी सी नवंबर मानसून में और नवंबर तक हम वो स्वेटशर्ट्स डाल के भी हम चला सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमको जैकेट नहीं डालना पड़ता है वो नवंबर तक, बिकॉज नवंबर तक थोड़ी थोड़ी वो ठंडी हवा आती रहती है, इसलिए हमको चाहिए रहता है कि कुछ हम फुल स्लीव का पहने। तो इसलिए मैंने ये स्वेटशर्ट्स बाय किए हुए। ये मैंने अभी ये 11 to 16 वाला ये एंड ऑफ सीज़न सेल चल रहा है 50 to 80%, इसमें मैंने बाय किया हुआ है और विद इन 2 days मेरे को ये रिसीव हो गया है मेरा, मैंने जो भी मंगवाया है। और थोड़ा बाकी है कि मैंने जो भी मंगवाया है वो सब कुछ नहीं आ गया है, पर थोड़ा सा बाकी है, 2-3 पीस मेरे बाकी रह गए हैं। पर मैंने ये सोचा कि नहीं, आज तो मैं बना ही देती हूँ, बिकॉज मैं कितना लंबा खींचूँगी इसको कि तब तक तो ये सेल भी एंड हो जाएगा और आपको मेरे को मैंने क्या बाय किया और कितने में बाय किया हुआ है वो आपको पता नहीं चलेगा। सो या मैं इसलिए ये वीडियो अभी क्रिएट कर रही हूँ। और जो मैंने दूसरा थोड़ा सा मेरा बाकी रह गया है 2-3 पीस, वो मैं अलग से वीडियो बना दूँगी उसकी Part 2 करके, तो आप वो भी चेक कर लेना। मैं जब डालूँगी वो तब मैं आपको पता तो कैसे चलेगा। तो आप इसके लिए वो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो या अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने ये बाय किया हुआ है, ये ब्रांड नॉटिका है, ये जीन्स है, ये वाइड लेग जीन्स। सो या लुक एट दिस, ये नॉटिका मैंने 30 साइज में मंगवाया हुआ है। ये हाई राइज है कि हम यहाँ से पहन सकते हैं। मैं इसकी वीडियो मैं साइड में डाल दूँगी कि मैंने पहना है उसके बाद ये कैसा लुक दे रहा है मेरे ऊपर, ये कैसा लुक क्रिएट कर दे रहा है मेरे ऊपर, ये कैसे दिख रहा है और कैसा लग रहा है। मैं आपको लगे कि नहीं ये मेरे पे अच्छा लगेगा, ये मेरे बॉडी पे अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ बाय करना। मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा है, तो या आई लव दिस। एंड ऑल्सो हम डेली वेयर के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। वो इतना हार्ड वाला वो डेनिम नहीं है इसमें कि लाइक लेवाइस के और वो सब के जो वो थीक वाला जींस का वो थीक फैब्रिक होता है जींस का, वो ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा पतला है, पर या हम समर के लिए अप्रोप्रिएट है, मानसून के लिए भी अप्रोप्रिएट है। तो हम ऐसे ही जस्ट इसके साथ हम क्रॉप टॉप डाल के ऐसे ही हम डिनर के लिए, लंच के लिए और कैजुअल मीटिंग के लिए भी हम जा सकते हैं। कि तो नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बाइक लिया हुआ है? सो नेक्स्ट ये मैंने ससाफ्रास ब्रांड है, ससाफ्रास इज माय फेवरेट ब्रांड सो मिंत्रा पे, तो इसका मैंने ये ट्राउज़र लिया हुआ है, ये वाइड लेग ट्राउज़र है वो ऐसे लिया, यहाँ पे नोट टाई करने का रहता है कि हम डाल के जा सकते हैं। मैं तो इसके साथ मैं अभी ये लुक क्रिएट करके आपको दिखाने वाली हूँ, तो मैंने ये साइड में डाल ही दूँगी, तो आप देख सकते हो मैंने इसके साथ क्या क्रिएट किया है। हम ओवरसाइज टी शर्ट भी इसके साथ डाल सकते हैं, तो या आई लव दिस, आई ऑल्सो रिकमेंड दिस, प्लीज़ 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 इसको बाय करो, और ये बहुत मस्त है। इसमें दो तीन और भी कलर है, पर मैंने ये ब्लैक ये कलर लिया हुआ है कि हम जब भी हमको ये डेनिम पहनने का झंझट नहीं चाहिए कि फिर नहीं पहनने का ये डेनिम और वो सब, तो हम ये भी डाल के चले जाएंगे तो भी मस्त लगेगा। बस मेरा एक यही मोटिव है इसका बाय करने का कि हम जा सकते हैं इसको ऐसे ही पहन के। मैं इसको इस टी शर्ट के साथ स्टाइल करने वाले हूँ। लुक एट दिस, मेरा फेवरेट है अमेरिकन, ये कैप्टन अमेरिका का ये वाला, मेरे पास बोट का वो एयरड्रॉप्स, बोट का एयरड्रॉप्स आता है वो भी कैप्टन अमेरिका का लिमिटेड एडिशन वाला ही है, तो आई लव दिस वन। सो या मैंने ये मेरी और मेरी मम्मा के लिए सेम ही मंगवाया है, तो मैं और मेरी मम्मा दोनों साथ में पहनेंगे तब मैं पिक्चर डालूंगी, तो इसको आपको देखने के लिए मैं इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको नीचे शो करवा दूंगी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो और पे रील्स और वो सब बनाती हूँ, आपको आप देख सकते हो। तो यस, नेक्स्ट आई हैव दिस इज, मैं जिसकी बात कर रही थी कि मैंने नेक्स्ट सीजन के लिए मैंने बाय किया हुआ है, वो ये है हियर एंड नाउ का, हियर एंड नाउ का मैंने ये स्मॉल साइज लिया हुआ है। लुक एट दिस, सी आई लव दिस ब्लैक कलर, ब्लैक इज माय फेवरेट कलर, सो मैंने ये बाय किया हुआ है स्वेट शर्ट्स, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। लाइक इसकी ये वाली जो है, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि मस्त लग रहा है, इस मॉनसून में भी पहन के जाएंगे ना तो गजब वाइब देगा। बस और विंटर में तो बात ही अलग है कि मस्ती लगने वाला है। ओ माय गॉड, सो यस, ये था मेरा स्वेट शर्ट, और अनदर स्वेट शर्ट मैंने एक और भी मंगवाया हुआ है, वो अभी स्वेट शर्ट आया नहीं है, ये भी हियर एंड नाउ का ही है। लुक एट दिस, मैंने ये दोनों स्मॉल साइज में ही मंगवाया हुआ है, आई थिंक यस मेरे को आ ही जाएगा। ये ग्रीन कलर है, आपको कैमरे पर रामा ग्रीन कलर शॉर्ट ऑफ दिख रहा है, पर ये प्योर वो डार्क ग्रीन है, तो या सो ये ऐसे रिब मटेरियल नहीं होता है, ऐसा मटेरियल है, सो आई लव दिस। इसकी प्राइस इसके ऊपर तो दिखा रहा है 2399, बट मेरे को इतने में तो नहीं मिला है, मेरे ग्रैब दिस डील, ये वाला और ये वाला दोनों मेरे को 500 के अंदर ही मेरे को मिले हुए हैं, तो इसकी भी प्राइस है 2399, बोथ की सेम ही प्राइस है 2399, बट मेरे को ये दोनों ही 500 के अंदर मिले हुए हैं, तो इट्स अ लाइक मैजिकल डील फॉर अस, बिकॉज ऐसे कौन नहीं पहनना चाहता है कि ये रोज़ हमको ये ट्रेंडी कपड़े चाहिए होते हैं कि नहीं हम भी ऐसे पहने, हम भी ऐसे पहने, तो मिंत्रा पे अभी सेल चल रहा है, H&M पे भी 50% ऑफ दिखा रहा है कि मिल रहा है H&M, और जीवा में पे भी चल रहा है कि जीवा में है कि जिसको लॉन्ड्री और वो सब लेने का है तो उसके भी सेल चल रहा है, और H&M को आई लव H&M, बट मैंने इस बार H&M से कुछ बाय नहीं किया है, तो मैंने ये सब ट्राई किया कि नहीं चलो इस बार ऐसे ही बाय करते हैं हियर एंड नाउ का। मेरे पास हियर एंड नाउ का कुछ नहीं था, तो आई लव दिस क्वालिटी कि ये वाला एक्रेलिक का है और ये वाला थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि सी थ्रू है, थोड़ा सा ऐसा, तो ये नीटेड मटेरियल है इसलिए वो ऐसा तो लगेगा ही, तो ये मेरे को कोजी वाइब भी देगा
इतनी ठंडी नहीं लगेगी इसमें। मॉनसून में तो मस्ती रहेगा ये वाला, बट जब हम दिसंबर और जनवरी में जब ज़्यादा ठंडी होगी तो इसके ऊपर हमें लेयरिंग करनी पड़ेगी। तब तक ये हम इसे ऐसे ऐसे ही पहन सकते हैं। सो या एंड लास्ट आई हैव दिस फॉर मिंत्रा हॉल इज व्हाट आई हैव दिस। ये मैंने ये स्लाइडर्स मंगवाए हुए हैं, रिफॉर्म के हैं। मेरे को ये 380 समथिंग में पड़े हैं और मस्त लग रहे हैं कि लाइक हम ये मानसून में भी हमको बाहर जाते हुए हम शूज़ तो पहन नहीं सकते, तो हम ये वाले स्लाइडर्स पहन के, और हम ये स्लाइडर्स तो हम ऑलमोस्ट समर में भी पहन सकते हैं, तो हम इजीली हमको वो हमारे डेफिनेटली ये आप चेक करना। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, इसका फिटिंग भी बहुत मस्त है। मेरा ये हाईली रिकमेंडेड है, तो आप ये चेक कर देना। तो या आपको कैसा लगा है मेरा ये वीडियो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैंने ये कैसा, मेरा हॉल ये कैसा था, आपने क्या बाय किया मेरे हॉल से, और आपको कैसा लगा।